हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत की पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 20 तक हल किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या हमारा 21 है। Pn क्या है? Pn such that x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n क्या है? x प्लस y से भाज्य है। x प्लस y से क्या है? भाज्य है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। आइए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख रखा है, Pn स्टेटमेंट। हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे किसके के लिए? n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। फिर जांच करेंगे n बराबर किसके लिए? k के लिए। फिर जांच करेंगे किसके लिए? k प्लस 1 के लिए। तो ध्यान से देखिए, हम लोग शुरू करते हैं और मान लेते हैं, माना n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 जब लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Pn की जगह क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P1। P1 सच दैट x की पावर 2 इंटू 1 माइनस y की पावर 2 इंटू 1। जहां जहां n है हम वहां वहां क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि n का मान हमने कितना लिया है? 1। ठीक है, और ये भी लिखते रहेंगे कि यह x प्लस वाई से क्या है? भाज्य है। x प्लस वाई से क्या है? भाज्य है। ध्यान से देखिए, अगर ये x प्लस वाई से भाज्य है तो आगे के स्टेप में ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा x प्लस वाई से क्या है? भाज्य है। अब देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वर्गांतर का सूत्र लगेगा यहाँ, क्योंकि ये पहले का स्क्वायर देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक है, कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। आप देख पा रहे हैं कि ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। अगर आप x प्लस वाई में x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई में x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो हमें x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। भाज्य है। क्या है? भाज्य है। लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो आगे की बात करते हैं हम। इसके लिए मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट pk हो जाएगा। क्या हो जाएगा? pk such that x की पावर 2k माइनस y की पावर कितना? 2k। भाई जहां x, यहां n है, वहां हम लोग क्या रखेंगे? k रखेंगे। तो जहां n था वहां हमने k रख दिया, तो x की पावर 2k माइनस y की पावर क्या हो गया? 2k। कॉमा ये हो जाएगा x प्लस y से क्या है? भाज्य है। अच्छा, अगर n बराबर 1 के लिए भाज्य था तो उसी प्रकार से ये n स्टेटमेंट था, ये k स्टेटमेंट है, तो इसके लिए भी तो 1 के लिए भाज्य होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्या x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k बराबर x प्लस वाई इंटू यम। मतलब यह जो संख्या है वो x प्लस वाई से क्या है? भाज्य है। ये हमारा लिखने का एक क्या है? तरीका है, जिसमें हम यह दिखा सकें कि जो पूरी संख्या है वो क्या है? विभाजित है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ x की पावर 2k है और माइनस y की पावर 2k है। अगर आप इसे देखें तो ये किससे मैच कर जाएगा? ये इससे मैच करेगा। ठीक है, हमने n के लिए चेक करा तो पता चला कि ये x प्लस वाई से भाज्य है। निश्चित रूप से उसी प्रकार से x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k भी x प्लस वाई से भाज्य होगा। इसीलिए हमने लिख दिया x प्लस वाई इंटू यम। अब हम लिखेंगे कि n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ें और n बराबर किसके लिए? k प्लस 1 की बात करें। n बराबर माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, चलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए बात कीजिए। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट। ठीक है, यहां हो जाएगा x की पावर 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 और माइनस y इंटू 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है,
आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। ठीक है, देखिए हम लोग इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2k इन 2k प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। ठीक है, x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2k इंटू x की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नहीं तोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर 2k प्लस कितना 2। ध्यान से देखिए हम लोगों को क्या करना होता है, आपको ध्यान हो तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग समीकरण एक का कहा समीकरण एक का जहां k रखते हैं उसका मान समीकरण दो में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग k का मान क्या करें, समीकरण नंबर किस में, यहां प्रयोग करें। अगर हम देखें तो इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कैसे, हमें चाहिए क्या, x की पावर 2k का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x की पावर 2k का। क्यों, क्योंकि हम लोग x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k यहां से ला नहीं सकते, क्योंकि x स्क्वायर यहां आएगा और y स्क्वायर यहां आएगा जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम करते क्या है, यहां लिखते हैं x की पावर 2k बराबर, यहां हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इंटू m है और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y की पावर कितना 2k। यही मान उठा के हम लोग क्या, हाँ यहां रख देते हैं, लिखते हैं कि x की पावर 2k बराबर, x की पावर 2k बराबर x प्लस वाई की हो, x प्लस वाई इंटू m और प्लस y की पावर 2k समीकरण नंबर एक से क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, एक। अब देखिए यहां रखेंगे मान तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू m प्लस y की पावर 2k और पूरे का क्या, x स्क्वायर माइनस y की पावर क्या हो जाएगा 2k प्लस कितना 2। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर का हम क्या करेंगे, अंदर गुणा, x स्क्वायर जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू m। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर का गुणा हो गया यहाँ, फिर क्या होगा, x स्क्वायर का गुणा इनके पास भी होगा प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y की पावर कितना 2k माइनस यहाँ क्या हो जाएगा y की पावर 2k इंटू y का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए हम लोग इसका यहाँ गुणा करे हैं, ये मिला ठीक है, और इसे हम लोग क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये पूरे टर्म तो एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू क्या m प्लस इन दोनों में हमारे पास y की पावर 2k क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ क्या हो जाएगा y की पावर 2k हमारा कॉमन, बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ x स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से किससे, वर्गांतर से तोड़ देते हैं। जब वर्गांतर से तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों पदों में कौन है, x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई कहां है, यहां भी है, दोनों में से x प्लस वाई क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर m प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई। हमने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई है हमारे पास जिससे संख्या क्या करनी है, विभाजित करनी है, बाद में उसके साथ किसी भी संख्या से गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास लिखा है 3×400 या 4000 या 4 लाख कुछ भी लिखा है, अगर ये कहा जाए कि 3 से विभाजित है तो बात क्या होगी, सत्य होगी, क्योंकि यह 3 ये 3 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। उसी प्रकार से ये जो हमारे पास इस समय आया है आंसर उसमें x प्लस वाई है और सवाल में कहा भी है कि यह x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है, जो कि बात क्या है, सत्य है। ठीक है, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः PMI से फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या, अतः PMI मतलब गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह सिद्ध होता है कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा प्रश्न संख्या 21, अब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। क्या 22 हमारे पास है, PN such that 3 की पावर 2N प्लस 2 माइनस 8N माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, यह जो है वो कितने से, 8 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, देखिए अगर यह संख्या क्या है, 8 से भाज्य है की बात करें तो ध्यान से देखिए, पी एन हमारे पास दिया ही गया है,
सबसे पहले तो हम n बराबर कितने के लिए, एक के लिए सत्यता की जांच करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा स्टेप एक। आपको फिर से हम ध्यान दिलाते हुए स्टेप में लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि n लोग क्या करें, n बराबर एक रखें। कितना रखें, n बराबर एक, n बराबर एक के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां हो जाएगा पी वन सच दैट 3 × 2 × 1 + 2 − 8 × 1 − 9। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा संख्या 8 से भाज्य है। यहां हो जाएगा 3 × 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 4 − 8 = 8 − 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, आगे देखिए 3 × 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 4 का मतलब हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 81। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 81 माइनस 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। देखिए अब 81 में से 17 घटाइए तो यहां हो जाएगा 7, 11 में 7 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 64 आया जो कि क्या है, सत्य है। संख्या 8 से भाज्य है, जो संख्या है वो क्या है, 8 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अगर संख्या 8 से भाज्य है तो 1 के लिए तो हमारी बात सत्य हो गई। अब हमारा स्टेप 2 होता है, लेकिन इससे पहले हमें लिखना होता है क्या, कि n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। हमारा स्टेप 2 होता है कि हम लोग माने कोई धन पूर्णांक n बराबर किसके लिए, k के लिए। चलिए n बराबर k के लिए बात करते हैं, ध्यान से देखिए, n बराबर k के लिए जब बात करेंगे तो n बराबर k के लिए हमारा हो जाएगा 3 × 2 + 2 − 8 − 9। ठीक है, देखिए जहां जहां यन था हमने क्या रख दिया, के रख दिया, लिखेंगे संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके में इसमें तो हम लोग कोई प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे ना के लिए कथन सत्य है, तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखने से पहले लिखेंगे 3 × 2 + 2 − 8 − 9 बराबर 8 m। देखिए 8 से विभाजित है, जो बच जाएगा उसे हम लोग यम की फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, 8 m लिखेंगे, अतः या डायरेक्ट लिखते हैं यन बराबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जरूरत पड़ेगी अभी हमें इसकी, हम इसे यहां समीकरण एक बनाने के लिए लौट के आएंगे, परेशान मत होइए। लेकिन आइए हम लोग आगे चलें और लिखें कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम लोग मानते हैं यन बराबर के प्लस 1 के लिए। ध्यान से देखिए, हमारा अंतिम स्टेप चल रहा है जिसमें हम लोग लिखते हैं पी के प्लस 1 सच दैट क्या हो जाएगा, 3 × 2 − k + 1 + 2 − 8 − 9। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 2 + 2 − 8 − 9। ठीक है, यहां हो जाएगा 3 × 2 + 4 − 8 − 9। 8 कितना, 17। ठीक है, बाकी हम ये संख्या 8 से भाज्य नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास क्या है, 8 के भी है माइनस 9 भी है। ठीक है, 2k + 4 है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए यहां 2k + कितना है, 4। देखिए इसे हम लोग लिखेंगे 3 × 2k × 3 कितना, अगर 3 × 2k + 2 लिखें, ठीक है, 3 × 2k + 2 लिखें और इंटू लिखें 3 × 2, बात तो सही होगी, लिखने का तरीका हमारा सही तो होगा, लेकिन हम लोग इसमें से और कोई वैल्यू रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें इसके साथ 8k − 9 चाहिए जो कि है ही नहीं, हमारे पास इसके पास ये भी तो है, वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसे चलिए 2 बना लेते हैं और
यहां से 3 की पावर 2k + 2 = 8m - + 8k + 9, इसे क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर एक। आइए लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण एक से, कहां से, समीकरण एक से क्या करने पर, समीकरण एक से मान रखने पर, मान रखने पर। चलिए भैया मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2k + 2 दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं 8m + 8k + 9, देखिए ठीक है। और हमारे पास बचा क्या, इंटू 3 की पावर 2 - 8k - 17, ठीक है। चलिए 3 की पावर 2 का सबके साथ गुणा कीजिए, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8m × 9 + यहाँ कितना हो जाएगा, 8k × 9 + 9 × 9 माइनस कितना हो जाएगा, 8k - 17, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ इसे 8, 9, 72 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 8k × 9, और यहाँ कितना है 8k, मतलब 8, 9, 72, और 72 में से 8 निकाल देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64k, ठीक है। 8, 9, 72 k - 8k तो 64k हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9, 81, कितना हो जाएगा 81 माइनस कितना 17, ठीक है। 81 में से 17 घटाइए, देखिए 81 में से यहाँ भी 17 घटाने का एक बार मौका मिला था, तो ये हो जाएगा 72m + 64k + कितना, यहाँ हो जाएगा 64, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं कि यह संख्या 8 से क्या है, भाज्य। सब में से 8 बाहर निकाल लीजिए, जैसे सब में से 8 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, 9, 72, 8, 28, 64, 8, 28, 64, ठीक है। ये रहा आपका क्या, समीकरण, जिससे हम यह कह सकते हैं कि दी गई बात क्या है, सत्य है। मतलब हम यह लिख सकते हैं कि यह संख्या जो है वो 8 से क्या है, भाज्य है। संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। लिखेंगे अतः PMI से क्या होता है, फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, के लिए दिया गया कथन क्या होता है, सत्य साबित होता है, ठीक है। ये रही आपकी बात, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो क्या करें, नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट की फॉर्मेट में सवाल को लिखेंगे, लिखेंगे PN such that 41 की पावर n - 14n, 14 की पावर n, यह क्या है, संख्या 27 का एक गुणज है, एक क्या है, गुणज है। देखिए अभी तक जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं इसमें यही सब सवाल लगा रहे हैं कि विभाजित है और गुणज है, विभाजित है और गुणज है, दोनों की बातें क्या है, मिला जुला करके एक ही है, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, n = 1 के लिए, देखिए क्या हो जाएगा n = 1 के लिए, P1 सच दैट 41 की पावर 1 - 14 की पावर कितना 1, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, संख्या 27 का क्या है, गुणज है। आगे क्या हो जाएगा, 41 में से 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 27, और 27 ही संख्या का क्या है, एक गुणज है, सही बात है, संख्या का क्या है, गुणज है। अगर है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे n = 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। चलिए हमने स्टेप एक पूरा कर लिया है, अब हमारी बारी है स्टेप दो पर। स्टेप दो के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, मान लेते हैं n = k के लिए क्या हो जाएगा हमारा, pk सच दैट क्या हो जाएगा, 41 की पावर k - 14 की पावर k, क्या लिखेंगे, संख्या 27 का गुणज है, गुणज है। तो यह बात हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 41 की पावर k - 14 की पावर k = 27m, ठीक है।
आगे चल के हम यहां से समीकरण दो बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि लिख लेते हैं, एन बराबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ध्यान से देखिए, आगे बात करें तो एन बराबर जब के लिए सत्य हो गया है तो हम लोग किसके लिए सत्यता की जांच करेंगे, तीसरे स्टेप में मानेंगे, माना एन बराबर के प्लस वन के लिए। ध्यान से देखिए, इस अंतिम स्टेप में है जो सबसे जरूरी स्टेप भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पी के प्लस वन सच दैट क्या हो जाएगा, 41 की पावर के प्लस वन माइनस 14 की पावर के प्लस वन, क्या संख्या 27 का क्या है, गुणज है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे क्या लिखेंगे, 41 की पावर के इंटू 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग 41 को और 14 की पावर के को क्या कर सकते हैं, अलग कर नहीं सकते, इस वजह से यहाँ किसका मान निकालेंगे, 41 की पावर के बराबर हो जाएगा 27 एम प्लस 14 की पावर के। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर कितना, दो लिखेंगे, समीकरण दो में समीकरण एक से मान रखने पर ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 41 की पावर के है ना, इसी की जगह रख रहे हैं मान, क्या है 27 एम प्लस 14 की पावर के इंटू कितना, 41 माइनस 14 की पावर के प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाए कितना, 41 इंटू 27 की 27 एम प्लस 41 इंटू 14 की पावर के माइनस 14 की पावर के इंटू 14 की पावर 1। देखिए, इन दोनों टर्मों में हम लोग 14 की पावर के क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27 एम प्लस 14 की पावर के 41 माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा 41 इंटू 27 एम प्लस 14 की पावर के इंटू कितना 27। देखिए 41 में 14 घट जाएगा, फिर से कितना बचेगा 27। अब हमारे पास जो टर्म बची हैं वो तो सिर्फ दो हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों टर्म में से हमें 27 जो दिख रहा है वो क्या है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, हम 27 को क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे, तो बचेगा 41 एम प्लस 14 की पावर के। देखिए हमें बताना क्या था, हमने आपसे इसको सिखाया है कि यहां जो आया वो संख्या उससे डिविजिबल होगी, तो लिखेंगे कि जो 27 है वो संख्या 27 का क्या है, गुणज है, गुणज है, यह बात क्या है, सत्य है, इसलिए लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पी एम आई से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, अतः पी एम आई से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार से ये रहा आपका कौन सा, प्रश्न संख्या 23। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीन शूट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। 2n+7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, वो भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से, कि 2n+7 जो है वो छोटा है n प्लस 3 के होल स्क्वायर से। चलिए शुरुआत करते हैं, हमारा स्टेप एक होता है कि हम n बराबर क्या लें, एक लें, n बराबर एक के लिए। ठीक है, n बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, चाहे पी एन स्टेटमेंट हमने नहीं माना, लीजिए हम पी एन स्टेटमेंट भी इसे बना लेते हैं पी एन। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 24। तो n बराबर एक के लिए हो जाएगा पी वन सच दैट 2 × 1+7 इज लेस देन 1+3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 में 7 जोड़ दोगे तो कितना 9 इज लेस देन 3 × 1 = 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, जो कि क्या है, सत्य है कि जो 9 है वो 16 से क्या है, छोटा है, इसलिए लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। आइए आगे चलें, आगे चलेंगे तो मानेंगे कि माना n बराबर k के लिए, तो हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा पी के सच दैट 2 × k+7 इज लेस देन
के प्लस तीन का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इसी समीकरण को एक बनाते हैं और इसी का हम दो में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, लिखेंगे कि n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। चलिए हम लोग अपने अंतिम स्टेप पे हैं, अंतिम सवाल के अंतिम स्टेप पे, स्टेप नंबर तीन, जहां हम लोग मानते हैं कि माना n बराबर क्या रहेगा, k प्लस वन के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस वन प्लस सेवन बराबर, सॉरी बराबर नहीं रहेगा, लेस देन, क्या रहेगा, लेस देन, या हो जाएगा क्या, के प्लस वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर। चलिए सरल कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो एकन्नम दो के प्लस दो एकन्नम दो प्लस कितना, सात इज लेस देन के प्लस तीन और एक चार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, टू के प्लस टू और सात, सात और दो कितना हो जाएगा, नौ इज लेस देन के प्लस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलिए मान लेते हैं कि इसे हम लोग समीकरण क्या मान लें, दो मान लें, ठीक है। अब समीकरण दो और एक को देखिए ध्यान से और इसमें दोनों को प्रूव करने का प्रयास कीजिए, जिसमें यह दिखे कि k प्लस नाइन इज लेस देन k प्लस फोर का स्क्वायर हो, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं कि समीकरण एक से, कहां से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारे पास, टू के प्लस सात इज लेस देन k प्लस तीन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग देखें, अगर हमें यहां 9 बनाना है, क्या बनाना है, 9, तो हम लोग दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 7 में 2 जुड़ते ही क्या हो जाएगा, 9। लिखते हैं 2, डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, चलिए 2 जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना, 2, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, k प्लस कितना, 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2k प्लस 9 इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा, k प्लस 6k, अच्छा k स्क्वायर प्लस 6k और 9 और 2 कितना, 11, ठीक है। मतलब 2k प्लस 9 जो है वो छोटा है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से, और 2k प्लस 9 जो है वो छोटा है कितने के, अगर इसे हम लोग तोड़े तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8k से, इससे भी छोटा है। मतलब अगर हम लोग इसे क्या बनाए, समीकरण नंबर 3 बनाए, ध्यान से देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो दोनों में छोटा ही है, दोनों में क्या है, छोटा है। तो इसमें और इसमें कौन छोटा होगा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर छोटा होगा कि k प्लस 3 के होल स्क्वायर में 2 जोड़ने पर छोटा होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो k स्क्वायर लिखते हैं कहां से, समीकरण 2, कहां से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 3 से, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 जो है वो छोटा है, वो क्या है, छोटा है किससे, के स्क्वायर प्लस 16k प्लस के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग कि जो के स्क्वायर है, कौन, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 जो है वो छोटा है के स्क्वायर प्लस 8k प्लस कितने से, 16 से। इसलिए यह बात क्या है, सत्य है कि 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये सभी क्या लिखेंगे हम लोग, अतः PMI से क्या होता है, सिद्ध होता है कि फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, यदि आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपका इस प्रकार से गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।